हेलो एवरी वन वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू गाइज वेरी वेरी वॉल वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन एकेडमी लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स तो देखिए दोस्तों आज हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात तो अभी हमने जो भी फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ राजस्थान पढ़ा है यानी राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हमने पढ़े हैं उसके सभी महत्वपूर्ण हम वो क्वेश्चनस करेंगे जो कि आर पी एस सी या फिर आर एस एम एस एस बी द्वारा करवाए गए पिछले पाँच सालों में आए गए हैं तो कोई सा भी एग्ज़ाम हो जो कि आर एस एम एस ने करवाया है या फिर आर ने करवाया है और पिछले पाँच साल में किस प्रकार के क्वेश्चन आर ने पूछे हैं चाहे वह आर एस के एग्जाम में पूछे हो आर आपके एस में हो रीट में हो इन सभी प्रकार के प्रश्नों को आज हम देखेंगे तो लेट स्टार्ट गाइज फ्रेंड्स आई एम एस के शर्मा आई हैव सेवन प्लस इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस टू टाइम्स यूपीएससी इंटरव्यू फोर टाइम्स यूपीएससी मीनस एग्जाम एंड ऑल्सो क्वालिफाइड आर एस एग्जाम देखिए दोस्तों अन अकेडमी जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है यहां पर अगर आप फ्री सेशंस को देखना चाहते हैं तो आपको एक रेफरल कोड यूज करना होगा शर्मा टेन तो शर्मा टेन रेफरल कोड को यूज करके आप सभी फ्री सेशंस ले सकते हो बट अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट कोर्स हो पूरा नोट्स मिले इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ाएं

अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर जितने भी टीचर्स हैं उन सभी की क्लासेस भी आप एक ही बार में एक्सेस कर पाओगे तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं शर्मा टैन रेफरल कोड के साथ में और साथ साथ बच्चों फतेह स्कॉलरशिप टेस्ट है इसे भी आप चूज कीजिए ताकि आपने अच्छी रैंक आई तो डेफिनेटली अन अकेडमी आपको फ्री सब्सक्रिप्शन भी देगा और अभी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें आर एस की सक्षम टेस्ट सीरीज और गरुड़ नाम से एस SI आई की टेस्ट सीरीज चल रही है साथ साथ बच्चों जो नए बैचेस है उसमें रिसेंट बैच सात जुलाई को ही स्टार्ट हुआ है जो कि विजय बैच है और यह कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव बैच है फॉर प्री प्लस मींस यानी कि पी बैच होगा फाउंडेशन बैच है ये जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो अभी भी और ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं वह आपके पास हमेशा ही अवेलेबल रहते हैं आप रिकॉर्डेड सेशंस को कभी भी कितनी बार देख सकते हो तो कोई सा भी एग्जाम हो इसके सब्सक्रिप्शन के लिए और प्रॉपर गाइडेंस के लिए आप शर्मा 10 रेफरल कोड यूज कीजिए एस एच ए आर एम ए वन जीरो कैपिटल लेटर्स में विदाउट एनी स्पेस और फीस हमेशा की तरह काफी कम है सात हजार रुपए फीस है एक साल की दो साल की है आठ हजार चार सौ और इसमें जब तुम शर्मा 10 रेफरल कोड को अप्लाई करोगे तो दस परसेंट का और डिस्काउंट मिल जाएगा तो एक साल की फीस हो जाएगी 6300 और दो साल की फीस हो जाएगी 7560। तो इस तरीके से आप कंप्लीट वन ईयर और टू ईयर के बैचेस से जुड़ सकते हैं टू ईयर बैचेस विल बी मोर बेनिफिशियल क्या होगा क्योंकि आर एस के एग्जाम पोस्टपोन्ड होते हैं और उस पॉइंट ऑफ व्यू से टू ईयर बैचेज ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे तो गाइज दिस इज लेट्स स्टार्ट तो आई थिंक बच्चों को या तो पता नहीं है चलो कोई बात नहीं हम पुराने क्वेश्चन पेपर्स को करते हैं और खासकर कैसे इन क्वेश्चन को डील करना है वो जरूर ध्यान रखिएगा पीडीएफ सभी ने डाउनलोड कर ली होगी लेक्चर्स की नहीं की है तो अभी भी आप एट द रेट शर्मा आर एस लिखो टेलीग्राम सर्च में ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड आफ्टर दैट यू कैन डाउनलोड द सेशंस तो लेट्स स्टार्ट या गुड मॉर्निंग एवरी वन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग तो इट इज ए फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ठीक है क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे एक एक शब्द को समझेंगे देखिए पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं 2016 में पूछा गया प्रश्न ये नीचे दिए गए कूट में से सही कूटों का चयन कीजिए ठीक है वॉट इज द स्टेटमेंट इज एप्सोल्यूटली ट्रू अबाउट द फिजिकल फॉर्म्स ऑफ राजस्थान पहला ऑप्शन उप, हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है क्या है हाड़ौती पठार के पश्चिम में क्या कोई सीमा भ्रंश है पहला स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50 प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है सेकेंड स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट बात करता है संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है संरचना की दृष्टि से तीसरा स्टेटमेंट है यहां अरावली वर्तमान में चौथा स्टेटमेंट सॉरी अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है आपके पास होंगे 40 सेकंड्स इसका सही आंसर दीजिए सभी कमेंट के अंदर फटाफट देखते हैं किस किस का सही आंसर है तो बच्चों फटाफट एब्सोल्युटली राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए यू विल हैव 40 सेकंड्स सभी बच्चे आंसर दीजिए सभी के आंसर नहीं आए हैं सभी आंसर दें चाहे जो भी मन में आ रहा है वो दीजिए सोच समझ के पर सही आंसर दीजिए कोशिश करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर भी आ जाएगा चलिए वेरी वेरी गुड वेरी वेरी गुड एब्सोल्युटली राइट आंसर दिया है यहां पर अतुल ने बिल्कुल सही आंसर दिया है शर्मा जी ने सही आंसर दिया है लोकेश बहुत सही आंसर दिया वेरी गुड इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन पहला कथन गलत है बाकी दूसरा तीसरा और चौथा बिल्कुल सही है क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था हमारे जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है जहां पर सैंड्यूल्स नहीं मिलते अराउंड फोर्टी है तो एक एग्जैक्ट वैल्यू है उसकी इकतालीस तो बिल्कुल सही है और संरचना की दृष्टि से आपको पता ही है कि हमारा यहाँ पर कुछ भूभाग तो राजस्थान का उत्तरी वृहत मैदान का आ जाता है और वहीं हम दक्षिण में जाएं जैसे हाड़ौती प्रदेश में तो वह प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है और अरावली बहुत पुराना पर्वत है बहुत ज्यादा अनाच्छादन हुआ है बहुत ज्यादा अपरदन इसका हुआ है तो इट इज ए रेसीडुअल माउंटेन यह क्या है आपका अवशिष्ट पर्वत है इट इज ए रेसिडुअल माउंटेन तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है पहला स्टेटमेंट क्या पूछा है हाड़ौती पठार के पश्चिम-उत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश है क्या है यहां पर नॉर्थ वेस्ट में बाउंड्री फॉल्ट तो ये बिल्कुल गलत है हाड़ौती का तुम पश्चिम की साइड में लोगे तो आपके पूर्वी मैदानी आएगा ना कि कोई सीमा भ्रंश ठीक है पूर्वी मैदानी भाग का आता है हाड़ौती के पश्चिमोत्तर में ना कि सीमा भ्रंश तो इसीलिए बिल्कुल गलत है बिल्कुल सही आंसर है दूसरा तीसरा और चौथा 2016 में पूछा गया प्रश्न है यूपीएससी की तर्ज पर यह पूछा गया था अगला प्रश्न आसान प्रश्न लसाड़िया का पठार किस जिले में स्थित है पहला स्टेट आपका ऑप्शन है जैसलमेर दूसरा है उदयपुर तीसरा है कोटा और चौथा है गंगानगर 30 सेकंड में इसका आंसर दीजिए लसाड़िया का पठार कहां स्थित है ठीक है लसाड़िया का पठार कहां स्थित है लड्डू प्रश्न सभी का सही होना चाहिए बच्चों बिल्कुल सभी का हंड्रेड परसेंट ठीक होना चाहिए किसी का गलत नहीं होगा ये क्वेश्चन बच्चा बिल्कुल सही आंसर है उदयपुर ठीक है तो ध्यान रखेंगे लसाड़िया का पठार कहां स्थित है लसाड़िया का पठार हमारे उदयपुर में स्थित है कई बार पूछा गया प्रश्न है कि लसाड़िया का पठार कहां स्थित है द द्लैट्यू ऑफ लसाड़िया सिचुएटेड ऑन उदयपुर ठीक है तो कोई नहीं भूलेगा वेरी गुड काफी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया बिल्कुल बच्चों मैं आपको कंप्लीट राजस्थान लक्ष्य जो है बिल्कुल फ्री क्लासेस दे रहा हूं उसकी और उसका कंप्लीट सेशन भी होगा अगला प्रश्न राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंद्रा की पहाड़ियां स्थित हैं इन विच फिजिकल रीजन ऑफ राजस्थान मुकुंद्रा हिल्स आर लोकेटेड और सिचुएटेड तो यहां पर पहला ऑप्शन है शेखावटी प्रदेश दूसरा है हाड़ौती प्रदेश तीसरा है दक्षिणी अरावली और चौथा है माही बेसिन अगर आप समाचार पत्र भी पढ़ते हो तो भी इस प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बिल्कुल सही देंगे तो चलिए फटाफट तीस सेकंड में इसका आंसर दीजिए मुकुंद्रा की पहाड़ियां किस क्षेत्र में स्थित हैं तो बताइए मुकुंद्रा की पहाड़ियां किस क्षेत्र में स्थित हैं बिल्कुल बच्चा आपका कंप्लीट करवाएंगे बिल्कुल कंप्लीट करवाएंगे लक्ष्य टेंशन लो हंड्रेड परसेंट ये कंप्लीट होगा तो चलिए बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर शर्मा जी ने भी आंसर दे दिया है रूपेश कल्पेश अविनाश हिमांशु वेरी गुड हिमांशु बेटा गलत 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 तो यहां पर बिल्कुल सही आंसर है हमारा हाड़ौती प्रदेश तो आप सभी ने मुकुंद्रा नेशनल पार्क का नाम सुना ही नहीं सुना सभी ने सुना होगा मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान बेटा कहां पर है मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान सभी को पता है कोटा के आसपास पड़ता है ना हाड़ौती प्रदेश के अंदर पड़ता है तो इसीलिए हमारे पास क्या है मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान बहुत न्यूज में रहता है और वही मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है उसी मुकुंद्रा की पहाड़ियों के आसपास है तो इसीलिए ये क्या हो गया हाड़ौती पठार क्लास में बताया था है ना तो यहां पर पहला ऑप्शन शेखावटी मत लगाओ बेटा है ना कुछ भी लगाओ हिमांशु शेखावटी बिल्कुल मत लगाओ क्योंकि कोटा और झालावाड़ के बीच में ही हमें मिलेगा मुकुंदरा नेशनल पार्क वहां से भी याद रख सकते हो अगला प्रश्न अगला प्रश्न सर ये जी के बहुत है कि राजस्थान पटवारी के लिए बिल्कुल बच्चों जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं पटवारी का एग्जाम आने से पहले पहले खत्म हो गया तो मोर देन इनफ है पर पटवारी का एग्जाम शायद पहले हो जाएगा और क्लासेस थोड़ी लंबी चलेंगी तो देखिए अगला प्रश्न है हमारा सिरोही जिले में तीव्र ढाल वाली कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है बताया था कुछ पिछली क्लासेस में मैंने सिरोही जिले में तीव्र ढाल वाली कटी फटी पहाड़ियों के क्या स्थानीय नाम है भाकर भोराट ऊपरमाल और गिरवा ठीक है ऊपरमाल और गिरवा फटाफट 30 सेकंड में सभी आंसर देंगे क्लास में चिल्ला चिल्ला के मैंने आपको बताया था किसी तक मेरी आवाज पहुंची होगी तो सभी बच्चे सही आंसर देंगे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड शानदार शानदार वेरी गुड बच्चा बिल्कुल सही भाकर तो याद रखिएगा सिरोही के अंदर सिरोही के अंदर जो ज्यादा ढलान वाली कटी-फटी पहाड़ियां होती हैं उन्हें स्थानीय नाम क्या दिया जाता है भाकर दिया जाता है बाकी ऊपर माल आपने बिजोलिया किसान आंदोलन में सुना है गिरवा आपको उदयपुर के अंदर तश्तरी नुमा पहाड़ियां हैं वो पता होगा ही होगा तो सिरोही जिले में जो कटी-फटी पहाड़ियां हैं तीव्र ढाल वाली उन्हें ही भाकर कहा जाता है वेरी गुड अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित है कहां पर मध्य अरावली क्षेत्र मैंने अरावली के तीन पार्ट बताए थे आपको तो यहां पर ऊपर हमारा अरावली का क्या था शेखावटी प्रदेश के के आसपास का एरिया हो गया था नीचे मध्य अरावली था और इधर आपके और हमारा लोनी बेसिन एंड हो जाता है तो यहां पर हमारी कौन सी पहाड़ियां हैं मध्य अरावली में ऑप्शन मेरवारा पहाड़ियां दूसरा रोजा भाकर पहाड़ियां तीसरा इसराना भाकर और चौथा गिरवा पहाड़ियां फटाफट आंसर देंगे और इस बार सबका अब सही होगा हंड्रेड परसेंट रिकॉर्ड बनाओ हंड्रेड परसेंट सही का सभी बच्चों के सही का हंड्रेड परसेंट सही का रिकॉर्ड बनना चाहिए हंड्रेड परसेंट ये राइट right होना चाहिए वेरी गुड वेरी गुड अधिकांश बच्चों का सही है मेरवाड़ा की पहाड़ियां ठीक है काफी विवाद हुए हैं और मेरवाड़ा का जो क्षेत्र है हमारे राजस्थान में काफी दिनों बाद भी आया है ठीक है शुरुआत में नहीं था ये राजस्थान विलय के राजस्थान एकीकरण के अंतिम चरण में हमें मेरवाड़ा मिला क्योंकि यहां पर चीफ कमिश्नर स्टेट हुआ करते थे तो इसीलिए पहाड़िया क्षेत्र है अंग्रेजों के रहने के लिए थोड़ा ठीक ठाक था हाइट पर उन्होंने अपने सेटअप कर रखे थे इसीलिए न्यूज में भी कई बार रहता है तो मेरवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं वह आपके कहाँ मिलती हैं मध्य अरावली क्षेत्र में मिलती हैं अगला प्रश्न भोराट पठाड़ किसके मध्य स्थित है किसका भोराट प्रथा पठार क्लास में बताया गया था यह भी अचलगढ़ और तारागढ़ के मध्य या फिर गोगुंदा और बैराट के मध्य कुंभलगढ़ और गोगुंदा या फिर जरगा और अचलगढ़ तो बताइए भोराट प्लेट्यू किन किन चीजों के बीच में स्थित है कहां कहां स्थित है हमारा भोराट का पठार तो बच्चों भोराट का पठार कहां कहां स्थित है सभी बताएंगे और बिल्कुल सही बताएंगे यहाँ पर कुछ बच्चे सी बता रहे हैं कुछ बच्चे वन बता रहे हैं ऐसा क्यों इतना अंतर कैसे चलो अब मेजोरिटी हो गई सब लोग थ्री 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 कर रहे हैं चलो अच्छी बात है तो बच्चों देखो भोराट का जो हमारा पठार है वो अचलगढ़ और तारागढ़ में है ठीक है कुंभलगढ़ और गोगुंदा सॉरी सॉरी यहाँ पर हमारा जो ये है बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्य पार्ट टू भी करवाएंगे क्या बिल्कुल करवाएंगे तो बच्चों यहां पर हमारा कुंभलगढ़ और जो गोगुंदा है उसके बीच में है ये गलत है आप लोगों का सही है ठीक है यहां पर बुक में ही कुछ गड़बड़ है तो ध्यान रखिएगा कई बार ऐसा हो सकता है, है ना कई बार ऐसा हो सकता है कि बुक में भी आंसर गलत हो जैसे कि लक्ष्य किताब का ही ये प्रश्न है और लक्ष्य वालों ने आंसर दे रखा है फर्स्ट अचलगढ़ और तालागढ़ जो कि बिल्कुल गलत है ठीक है तो ध्यान रखिएगा कई कई बार बुक में भी आपको आंसर गलत मिल सकते हैं तो आपको सही आंसर ही याद रखना और सही आंसर है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में जो पठारी प्रदेश है उसे भोराट कहते हैं तो एग्जैक्ट सही आंसर है थ्री ना कि वन तो लक्ष्य की बुक में भी गड़बड़े हैं उसे भी आप सुधार सकते हो पर फिर भी लक्ष्य की बुक ऐसी बुक है जिसमें बहुत कम गड़बड़ है बाकी अन्य बुकों में तो काफी सारी गड़बड़े हैं ठीक है चलिए एक और लड्डू प्रश्न निम्नलिखित में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है वह है प्रतापगढ़ जालौर बाड़मेर और डूंगरपुर लड्डू प्रश्न आसानी से मैप से कर सकते हो ठीक है लड्डू प्रश्न आसानी से मैप से कर सकते हो बिल्कुल सभा सैयद मैं आपको राजस्थान लक्ष्य पार्ट टू भी करवाऊंगा पर पहले कम से कम पार्ट वन हमारा कंप्लीट हो जाए फिर डेफिनेटली पार्ट टू भी करवाएंगे तो पहले एक बार ज्योग्राफी करवा लें दो हमें फिर हम हिस्ट्री ही करवाएंगे बिल्कुल सही बिल्कुल सही सभी को पता है कि प्रतापगढ़ कहां है ऊपर की तरफ रह गया और बेचारा जालौर बाडमेर और डूंगरपुर गुजरात के टच में आ गए तो एग्जैक्ट सही आंसर है प्रतापगढ़ आसान प्रश्न दिया था ये आरपीएससी ने बड़ा लड्डू प्रश्न है पाके जो प्रतापगढ़ आपके इसके टच में नहीं है सभी का सही आसान प्रश्न एक और प्रश्न जो कि बहुत ही फेमस प्रश्न है अक्सर पूछा जाता रहता है पश्चिमी राजस्थान के पश्चिम रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है ठीक है कौन सी हाइट्स बनाती है पहला ऑप्शन 15 सेंटीमीटर वर्षा रेखा दूसरा 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा तीसरी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और चौथी 80 सेंटीमीटर वर्षा रेखा कई बार मैंने क्लास में आपको बताया है 100 परसेंट राइट करके बताओ इसको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना ठीक है 100 परसेंट राइट करके बताओ बच्चों जिस गलती का मुझे आप लोगों से अंदेशा था तुम वही गलती कर रहे हो और यहां पर एक बार किसी ने गलत आंसर क्या दिया सबके सब गलत को फॉलो करने लग जाते हैं ये गलत बात है क्वेश्चन ढंग से पढ़ो अरे अरे बच्चा बड़ी वैरायटी कर दी तुमने तो आंसर में इतनी वैरायटी थोड़ी होगी कोई कह रहा है पंद्रह कोई कह रहा है पच्चीस कोई कह रहा है पचास हकीकत में बेटा इसका सही आंसर है सेंटीमीटर तो प्रश्न को ढंग से पढ़ो मैंने कई बार कहा है माना कि क्वेश्चन पच्चीस सेंटीमीटर की वर्षा रेखा वाले बहुत आते हैं पर प्रश्न क्या कह रहा है उसे समझो कि पश्चिमी रेतीला अरे भाई ये ब्लैक एंड व्हाइट क्यों हो गया कि पश्चिमी रेतीला तो गया वन मिनट हाँ तो देखिए क्या कहा गया है कि पश्चिमी रेतीला मैदान पूर्वी सीमा पश्चिमी रेतीला मैदान की क्या पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है जैसे कि मान लो ये हमारा राजस्थान है ठीक है अजीब सा राजस्थान बना रहा हूं मैं ठीक है मान लो ऐसे राजस्थान है और यहां पर मेरी वर्षा रेखा है ठीक है ये मेरा पूरा का पूरा रे, रेगिस्तान वाला पार्ट है ये अब इस पूरे रेगिस्तान का पूर्वी भाग क्या होगा सबसे पूर्वी ये वाली लाइन होगी और यह तो 50 सेंटीमीटर की होती है ना हाँ अगर मैं तुमसे बोलता कि कौन सी समवर्षा रेखा पश्चिमी रेतीले मैदान को लगभग दो भागों में विभाजित करती है तो 25 सेंटीमीटर आंसर आता यहां पर पूछा गया है कि पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा किस समवर्षा रेखा पर है तो इसकी पूर्वी सीमा यानी कि कहां से रेगिस्तान चालू हुआ है तो वो है पचास सेंटीमीटर की वर्षा रेखा तो आंसर क्या है थर्ड ऑप्शन ना कि सेकंड ऑप्शन तो ध्यान रखिएगा आंसर क्या है थर्ड ऑप्शन प्रश्न को ढंग से पढ़ो और जिस भी बच्चे ने पंद्रह सेंटीमीटर लिखा है तो भैया ये तो बहुत गलत बात है और एक और चीज ध्यान रखना हकीकत में ये जब प्रश्न आरपीएससी ने पूछा था तो इसमें पचास सेंटीमीटर ऑप्शन था ही नहीं इसमें तीसरा ऑप्शन था चालीस सेंटीमीटर क्या था चालीस सेंटीमीटर इसका ऑप्शन था और वही आरपीएससी ने सही भी माना था क्यों सही माना था आरपीएससी ने आरपीएससी के दो तर्क थे इस पर केस हुआ था इस क्वेश्चन पर कि 50 सेंटीमीटर आना चाहिए तो गलत लिख दिया है तो एग्जैक्ट सही आंसर है 50 सेंटीमीटर बट आरपीएससी का ये तर्क था कि अब हमारे राजस्थान का प्रसार हो गया है इसीलिए 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से ही रेगिस्तान चालू हो जाता है माना कि पूर्ण रेगिस्तान 50 सेंटीमीटर से चालू होता है परंतु जलवायुवीय परिवर्तन की वजह से और रेगिस्तान के प्रसार की वजह से 40 सेंटीमीटर से ही चालू हो जाता है तो इसीलिए उन्होंने आंसर 40 सेंटीमीटर माना था यानी कि इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि कोई ऑप्शन आपका एक भी सही नहीं हो जैसे कि अगर इसमें मैं चालीस सेंटीमीटर लिख दूं तो एक भी ऑप्शन ठीक नहीं है पर तुम्हें कौन सा सही मानना है जो सबसे कम गलत हो क्योंकि 40 सेंटीमीटर सबसे कम गलत होगा तो इसीलिए आप फिर 40 सेंटीमीटर को भी लगाकर आएंगे ठीक है तो इस चीज को ध्यान रखिएगा है ना? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा यानी कि जहां से रेगिस्तान चालू हुआ इट इज अबाउट 50 सेंटीमीटर और 50 से 80 हमारा अरावली यानी कि पर्वतीय प्रदेश आ जाता है अगला प्रश्न राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले बीहड़ प्रभावित है रेवाइन एरिया कहां कहां मिलता है बीहड कहां मिलेगा ऑप्शन है कोटा सवाई माधोपुर, धौलपुर दूसरा ऑप्शन है बांसवाड़ा डूंगरपुर जैसलमेर तीसरा ऑप्शन है भीलवाड़ा डूंगरपुर राजसमंद और चौथा ऑप्शन है अजमेर भीलवाड़ा और पाली चालीस सेकेंड में इसका बिल्कुल सही आंसर दीजिए रजनी ढंग से क्वेश्चन को पढ़ो समझ में आ जाएगा आपको बेटा कल ही बताया था सभी को सबका सही आना चाहिए कि डांग प्रदेश कहाँ है रेवाइंस कहाँ मिलती हैं कंदराए कहाँ मिलती हैं इस पर कल ही चर्चा हुई थी तो कल का तो सभी को याद होना चाहिए बच्चों इसका बिल्कुल सही आंसर है पहला आंसर कोटा सवाई माधोपुर और धौलपुर क्योंकि देखिए बीहड़ वहां वहां बनेंगे जहां पर चंबल नदी बह रही है क्योंकि चंबल ही क्या करती है उत्काथ भूमि बनाती है यानी कि बेडलैंड टोपोग्राफी बनाती है और ये वही बीहड़ है जहां पर डाकू वगैरह निवास करते हैं और इसीलिए कोटा सवाई माधोपुर और धौलपुर का ऐसा क्षेत्र है जहां पर बीहड़ हो जाते हैं डूंगरपुर और जैसलमेर में तो हो ही नहीं सकते फिर यहां पर भी राजसमंद और भीलवाड़ा में काफी नदियां मिल जाएंगी तो कोई टेंशन नहीं है यहां पर भी और अजमेर पाली में भी नहीं होगा तो आंसर क्या है यहां पर चंबल जो है अपनी सहायक नदियों के साथ में बीहड़ प्रदेश बनाती है और कोटा सवाई माधोपुर और धौलपुर इसके आंसर हो जाएंगे अगला प्रश्न गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहत भू आकृतिक विभाग का भाग है गोडवाड़ प्रदेश ठीक है गोडवाड़ रीजन थर्टी सेकेंड में आंसर दीजिए कौन सा क्वेश्चन दीक्षा अच्छा पिछला वाला क्वेश्चन किस में आया था पिछला वाला क्वेश्चन सेकेंड ग्रेड के एग्जाम में आया था क्वेश्चन नंबर नौ जो था वो सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आया हुआ था वेरी गुड वेरी गुड काफी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया पश्चिमी शुष्क प्रदेश जो है उसमें हमें गोडवाड प्रदेश मिलता है गोडवाड प्रदेश किसे कहते हैं बच्चों लूनी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया जो अपवाह क्षेत्र होता है द ड्रेनेज बेसिन ऑफ लूनी एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड इट इज नोन एज गोडवार रीजन तो लूनी और उसकी सहायक नदियां जो आपके अपवाह क्षेत्र बनाती हैं क्योंकि लूनी क्या है बारामासी नदी तो है नहीं कभी तो पानी बहेगा और कहीं पर वो गायब हो जाएगी तो उसी शुष्कता की वजह से यहां पर आपके एक प्रदेश बनता है जिसे गोडवार प्रदेश कहते हैं और यह हमारे ये हमारे बांगर प्रदेश का भाग है ध्यान रखिएगा मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी रेतीला मरुस्थल जो है उसे 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा दो भागों में बांटती है और 25 से 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा के अंदर जो प्रदेश आता है उसे हम बागड़ या बांगर प्रदेश कहते हैं और उसी का जो एक हिस्सा है वह गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है तो आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन अगला प्रश्न अरावली निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर वेरी फेमस क्वेश्चन बहुत बार आता रहता है वेरी फेमस क्वेश्चन तो चलिए फटाफट से पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में उपस्थित कीजिए बच्चों क्लास में एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको और उस ट्रिक से 90% परसेंट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे 10% परसेंट की गारंटी नहीं है पर मेरी ट्रिक से 90% परसेंट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो ट्रिक लगाओ आंसर पाओ क्योंकि देखो ये पॉसिबल नहीं है कि आप सारी की सारी हाइट याद रख लो दो चार हाइट याद रहती है फिर भूल जाता है आदमी वेरी गुड वेरी गुड बिल्कुल सही आंसर है बच्चों. वेरी गुड वेरी गुड पहला ऑप्शन है जरगा अचलगढ़ कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़ क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताई थी गुरु से जरा अविश्वास रखा खोता भैंस बाबे अर्थात गुरु से जरा यानी कि गुरु शिखर शेर और जरगा तो जरगा सबसे ऊंची है अविश्वास रखा ए यानी कि अचलगढ़ ठीक है तो जरगा और अचलगढ़ तो देखो किसी भी ऑप्शन में जरगा और अचलगढ़ आपके सीक्वेंस में नहीं है केवल पहला ही ऑप्शन है जहां पर जरगा और अचलगढ़ आ रही है तो पहली सबसे ऊंची जरगा फिर अचलगढ़ फिर उसके बाद में कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़ जो कि हमारे सीकर की है क्योंकि तो सभी को पता है रघुनाथगढ़ हमारे सीकर की तरफ आती है और हमारे जो अरावली की ऊंचाई है वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर घटती जाती है इसीलिए जो माउंट आबू है अब देखो कुंभलगढ़ ऑब्वियसली दक्षिण पश्चिम की तरफ आएगा और रघुनाथगढ़ तो सीकर में आ गया तो हाइट याद नहीं भी है तो भी आप गैस कर सकते हो क्योंकि इतना आपको पता है माउंट आबू का एरिया जो है दक्षिण पश्चिम का जो एरिया है वो ऊंचा ही होने वाला है और कुंभलगढ़ काफी युद्ध हुए हैं तो सबको पता है चित्तौड़गढ़ के आसपास है और रघुनाथगढ़ सीकर में है तो कॉमन सेंस लगा सकते हो तो इनमें भी डाउट नहीं रहेगा तो आंसर विल बी वन ऑप्शन जरगा सबसे ऊंची फिर अचलगढ़ फिर अंबलगढ़ और फिर रघुनाथगढ़ हो जाती क्योंकि तुम डेटा कितना भी याद रख लो भूल जाओगे तो कुछ याद रहेंगे कुछ भूल जाओगे तो इसीलिए कॉमन सेंस लगाकर कर सकते हो चलिए या नमस्कार संजय जी नमस्कार चलिए तो यहां पर अगला प्रश्न कि राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताइए लॉटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस पहला ऑप्शन है तेईस डिग्री 30 मिनट से तीस डिग्री बारह मिनट उत्तर नॉर्थ चलिए सारे ऑप्शन आप पढ़ ही रहे हैं तो पढ़ लीजिए और फटाफट फोर्टी सेकेंड में आंसर दीजिए बहुत पास पास ऑप्शन है जैसा कि आरपीएससी करता है तो आंसर दीजिए बिल्कुल बिल्कुल सबा सैयद ये बिल्कुल आपके एसआई SI लेवल के भी मतलब आरपीएससी देखो आरपीएससी का कोई भी प्रिलिम्स क्लियर करना है ना तो सबसे आसान तरीका है पिछले पांच से दस साल के जितने भी पेपर पिछले दस साल में जितने भी पेपर आरपीएससी ने करवाए हैं आर एस ने करवाए हैं उन सबको कट जाओ फोर्टी परसेंट पेपर वहीं से उठकर आएगा तो सारे क्वेश्चन आपको वहीं से ही मिलेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही लेवल में भी यही क्वेश्चन आने वाले हैं कुछ अलग नहीं आएगा आरपीएससी आर एस में भी यही होगा हरकेश हमसे मिलना है बिल्कुल बिल्कुल हरकेश मिलेंगे अगस्त में एक मीटिंग रखते हैं जयपुर में ही तब मिलते हैं काफी बच्चों को मिलना है हिमांशु कुछ चेंज हो रहे हैं सिलेबस में क्या चेंज होंगे वो बहुत जल्दी हम आपको बता देंगे वेरी गुड वेरी गुड अधिकांश बच्चों का बिल्कुल सही है क्योंकि हमारा राजस्थान का उत्तरी और जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वह है तीस डिग्री तीस मिनट से लेकर तीस डिग्री बारह मिनट नॉर्थ और इसके अलावा है देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट्स टू 78 डिग्री 17 ईस्ट तो ये एग्जैक्ट अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है जिसे आप बिल्कुल याद रखेंगे कई बार ये क्वेश्चन आया गया है अगला प्रश्न रचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्छावस्त प्रदेशों का हिस्सा है कि रचनात्मक दृष्टि से बात करें तो राजस्थान के जो फिजिकल रीजन हैं वह किसका हिस्सा है पहला ऑप्शन उत्तरी वृहत मैदान प्रायद्वीपीय पठार दूसरा ऑप्शन उत्तरी पर्वतीय प्रदेश उत्तरी वृहत मैदान तीसरा ऑप्शन तटीय मैदान और प्रायद्वीपीय भारत पठार और चौथा है प्रायद्वीपीय पठार और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश ढंग से प्रश्न पढ़ लोगे लड्डू क्वेश्चन लकी चौपाली राम राम लकी जी राम राम बिल्कुल अतुल बता देंगे जब भी कोई सेमिनार रखेंगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा सभी बच्चे आंसर दे फटाफट बच्चों इसका बिल्कुल सही आंसर है पहला ऑप्शन अभी अभी एक प्रश्न और आया था हमारे लाइब्रेरियन के एग्जाम में और अब ये ग्रेड सेकंड का पेपर है तो देखिए दोनों में क्या था कि एक ही क्वेश्चन था उसमें अलग तरीके से पूछा था इसमें अलग तरीके से पूछा यानी कि ये चीज ये बता रहा है कि हर चार पांच साल में क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट होते हैं बस क्वेश्चन की भाषा शैली बदल जाती है जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि राजस्थान का भौतिक प्रदेश किन दो भागों का हिस्सा है और अब यह पूछा गया है राजस्थान का उच्छावश प्रदेश बस एक शब्द बदल दिया उच्छावश और किसका मिला है? और सभी को पता है हाड़ौती प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है जबकि हमारा जो सागर से बना हुआ थार मरुस्थल है या फिर पूर्वी मैदानी भाग है वह हमारे उत्तरी वृहत मैदान का भाग है तो सिंपल सा क्वेश्चन था और बस उसकी भाषा बदली और एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है तो आंसर विल बी ए ऑप्शन ठीक है तो ऐसे ही भाषाएं बदलती रहेंगी पर क्वेश्चन और उसमें जो पूछा गया है वह हमेशा सेम रहने वाला है अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है लड्डू गुश्चन कौन अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है पहला है लसाड़िया प्लेट्यू दूसरा उड़िया प्लेट्यू थर्ड बुंदेलखंड और चौथा है भोराट बच्चों इंग्लिश के लिए मूमल की एक नई बुक आई है ठीक है मूमल के लिए एक नई बुक आई है उसे कर देंगे हाँ, वैकेंसी कब तक आएगी बच्चों वैकेंसी जल्दी ही आने वाली है जुलाई में ही आने का सुन रहे हैं देखो रिजल्ट आएगा फिर वैकेंसी बच्चों अभी अभी आपने देखा लसाड़िया जो है वह तो हमारे राजस्थान में ही है ऐसे ही उड़िया प्लेट्यू भी है भोराट भी है बघेलखंड जो है यह एमपी के अंदर आ जाता है तो यह है हमारे मालवा प्लेट्यू का हमारा जो मालवा प्लेट्यू है उसका एक भाग है विंध्याचल पर्वत की एक कंटिन्यूस श्रेणी का एक हिस्सा है ना कि यह हमारे राजस्थान में है तो अरावली का भाग नहीं है बघेल भाग, प्लेट्यू इट इज ए पार्ट ऑफ विंध्यन माउंटेन सीरीज अगला प्रश्न राजस्थान में फ्लोरोसिस की समस्या से पीड़ित कुबड़ पट्टी क्षेत्र कहां पर है किसकी समस्या फ्लोरोसिस फ्लोरोसिस यानी फ्लोराइड जहां ज्यादा मिलता है तो देखो क्या होता है फ्लोरीन एक गैस है F2, जब यह आयनिक रूप में पाई जाती है F- तो इसे बोलते हैं फ्लोराइड और यह पानी में ज्यादा होने से दांतों में झंझनाट हो जाती है हाँ अगर सही क्वांटिटी में तुमने फ्लोराइड लिया है तो दंत क्षय कम हो जाएगा यानी कि दांत टूटना कम हो जाएगा पर ज़्यादा फ्लोराइड हो गया तो दांतों पर पीलापन आ जाएगा झंझनाहट होने लग जाएगी मसूड़ों में सूजन रहने लग जाएगी ऐसी सारी चीज़ें होने लग जाती है तो बताइए कहाँ है कुबड़ पट्टी जहाँ ये फ्लोरोसिस पाया जाता है बिल्कुल बच्चों आर एस के लिए करंट अफेयर मूमल से हो जाएगा और हिमांशु इंग्लिश के लिए एक नई बुक मूमल ने निकाली है ज्योग्राफी में पर उसमें भी कंटेंट कम है तो इसीलिए आप मेरी क्लासेस से कंप्लीट इंग्लिश में लक्ष्य का ट्रांसलेशन और क्लासेस देख सकते हो तो अब क्या करें अब बुक है ही नहीं मार्केट में कोई इंग्लिश की अच्छी सी हमें एक किताब लिखनी थी पर समय नहीं मिल पा रहा तो इसलिए वो किताब अधूरी रह गई नहीं तो सोचा तो था कि मार्च तक ही पूरी कर देंगे उस बुक को पर क्या करें बहुत सारी चीजें आ गई तो किताब कंप्लीट ही नहीं हो पाई आधी लिखी हुई है और आधी अभी कंप्लीट हुई नहीं है तो टाइम लगेगा अभी उसमें तो देखिए बच्चों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है हमारा जो कुबड़ पट्टी है वह है नागौर और अजमेर में है और नागौर अजमेर में क्या होता है कुछ ऐसी चट्टाने पाई जाती हैं जिनमें प्राकृतिक रूप से फ्लोराइड ज्यादा है और कुछ आपके इंडस्ट्रियल एरिया भी है नागौर और अजमेर के क्षेत्र में उसकी वजह से भी फ्लोराइड हो जाता है और यहाँ के जो खेत हैं कृषक जो हैं वो आपके खेती में फास्फोरस भी ज़्यादा प्रयोग करते हैं और उसी वजह से वो फास्फोरस क्या है नीचे अंदर चला गया और आपके फ्लोराइड कंटेंट बना गया इसीलिए फ्लोरिसिस होता है और यहीं पर आपके नागौर और अजमेर में क्या है कुबड़ पट्टी पाई जाती है क्योंकि जब फ्लोरोसिस हो जाता है तो शरीर पूरा धनुषाकार झुक जाता है बो की तरह झुक जाता है और ऐसा लगता है जैसे कुबड़ आ गई तो इसीलिए इसको कुबड़ पट्टी कहा जाता है अगला प्रश्न राजस्थान राज्य की स्थिति विस्तार के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है पहला ऑप्शन राज्य का उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम का विस्तार आठ और क्रमशः आठ किलोमीटर है राजस्थान राज्य विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है राज्य की अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा एक हजार सत्तर और चार हजार आठ सौ पचास है राजस्थान राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वह भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का दस दशमलव चार एक प्रतिशत है तो आंसर बताइए बिल्कुल सही आंसर दो बच्चों वेरी गुड वेरी गुड सभी ने लगभग सही आंसर दिया है क्योंकि सभी को पता है कि हमारे राजस्थान का जो आकृति है वह पतंग के समान है यानी कि विषम भुज विषम कोण चतुर्भुज है यानी कि रोमबस जैसी है बिल्कुल हमारी जो टोटल लंबाई है हमारे रा, राज्यों की सीमा की राजस्थान राज्य की सीमा की वह 5,920 हजार नौ सौ बीस और उसमें से एक हजार सत्तर क्या है अंतरराष्ट्रीय है जो पाकिस्तान से टच करती है और 4850 क्या है अंतरराज्य है जो कि गुजरात एमपी यूपी हरियाणा टच करती है और बिल्कुल हमारा जो राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल है वह राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का दस दशमलव चार एक प्रतिशत है परंतु यह स्टेटमेंट गलत है क्यों गलत है क्योंकि यहां पर क्या है राजस्थान की उत्तर दक्षिण विस्तार है आठ किलोमीटर और उत्तर पूर्वी विस्तार है आठ किलोमीटर उल्टा लिखा हुआ है तो यहां पर देख सकते हो हमारा पूर्व से पश्चिम में विस्तार क्या है ज्यादा है हम क्या है पूर्व से पश्चिम में ज्यादा चौड़े हैं और उत्तर से दक्षिण में सकड़े हैं तो 826 है उत्तर से दक्षिण में ना कि पूर्व से पश्चिम में और पूर्व से पश्चिम में है आठ तो यह गलत है पहला स्टेटमेंट गलत है अगला प्रश्न राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है पहला स्टेटमेंट पश्चिमी बालू का मैदान टैथिस सागर का अवशेष है दूसरा स्टेटमेंट दक्षिण पूर्वी पठार गोडवाना लैंड का विस्तारित भाग है तीसरा स्टेटमेंट अरावली एक वलित पर्वत श्रेणी है चौथा स्टेटमेंट उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का एक भाग है थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सही आंसर पाओ फोर्टी सेकेंड में इसका आंसर दो सभी बिल्कुल सही आंसर देंगे आसान है बच्चों सभी को पता होगा कि जब पुरातन काल के अंदर हमारा रेगिस्तान जो था वह तैथिस सागर था और उसके नीचे जो तलछट बेसाल्टिक रॉक के ऊपर जो आपके मिट्टियां थी या पर्दन जो हुआ वही तुम्हारा रेगिस्तान बन गया तो जो हमारा रेगिस्तान है वह टैथिस सागर का अवशेष है और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश अर्थात हाड़ौती प्रदेश जो है वह गोडवाना लैंड का विस्तारित अवशेष है बिल्कुल सही और अरावली तो वलित पर्वतमाला है ही अब तुम सोच के देखो अरावली के साइड में ना तो कोई सिंधु नदी बहती है अरावली के पूर्व में ना तो कोई सिंधु नदी है और ना ही वो कोई मैदान बनाएगी हाँ यमुना जरूर गंगा की सहायक नदी है जो कि यहां पर कार्य करती है और यमुना की मेन सहायक नदियों में बनास आ जाती है तो वो यहां पर फिर भी प्रभावी यानी कि गंगा नदी का जो बेसन तंत्र है उसके द्वारा फिर भी कहा जा सकता है कि पूर्वी मैदानी भाग बना है पर सिंधु का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है तो इसीलिए यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है ठीक है तो यह स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है और गलत ही पूछा था तो आंसर इज फोर्थ ऑप्शन अगला प्रश्न राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर है तीन चार एग्जाम में आया हुआ आसान प्रश्न फटाफट आंसर दे दो इसका क्या कह रहे हो बच्चे क्लाइमेट वाला क्लाइमेट पर आएंगे बच्चों अभी तो भौतिक प्रदेश किए हैं फिर हम नदियां झीलें करेंगे और फिर जलवायु और क्लाइमेट खनिज सब टॉपिक पर आएंगे एक एक करके बिल्कुल सही बच्चों इकसठ प्रतिशत इकसठ प्रतिशत जो है बारह जिलों के अंदर फैला हुआ है हमारा रेगिस्तान और यह इकसठ प्रतिशत राजस्थान के भूभाग को रखता है तो आंसर विल बी सिक्सटी वन परसेंट अगला प्रश्न साढ़े तेईस डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा क्या है कर्क रेखा सत्तर डिग्री पूर्वी देशांतर निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरेगा क्रमश यानी कि कर कर्क रेखा कहां से गुजर रही है और सत्तर डिग्री पूर्वी दिशांतर कहां से गुजर रखा है थोड़ा दिमाग लगाओ और सही आंसर पाओ ठीक है सोचो एग्जैक्टली exactly सही आंसर क्या है <coughs> बच्चों राजस्थान ज्योग्राफी के लिए तो लक्ष्य भी ढंग से कर ली तो भी आपका काम हो जाएगा तो भी सिलेक्शन हो जाएगा लक्ष्य और आरबीएस दो चीजें भी कर लोगे तो भी मोर देन इनफ है बच्चों अभी अभी आपको बताया था देखो कर्क रेखा में तो किसी को डाउट नहीं होगा कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर से निकलती है कर्क रेखा तो यानी कि हमारे पास में बांसवाड़ा और डूंगरपुर से निकलती है तो धौलपुर और ये हमारे बांसवाड़ा वाले दो ही ऑप्शन ठीक होंगे बांसवाड़ा या डूंगरपुर पर मेन प्रॉब्लम है सत्तर डिग्री पूर्वी देशांतर और आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो राजस्थान है वह सिक्सटी डिग्री थर्टी मिनट से लेकर 78 डिग्री और 17 मिनट्स तक रहता है यानी कि 69 नाइन साढ़े उनहत्तर डिग्री जहां पर है उसी के जस्ट पास में हो, क्या होगा? हमारा 70 डिग्री भी होगा और साढ़े उनहत्तर डिग्री नाइन पॉइंट थ्री कहां पर है जैसलमेर में सम तहसील कटरा गांव है ना तो वहीं पर आपके पास में जैसलमेर में ही सत्तर डिग्री भी होगा तो पूर्वी देशांतर कहां है जैसलमेर तो आंसर क्या हो गया बांसवाड़ा और जैसलमेर बांसवाड़ा और जैसलमेर और ध्यान रखिएगा यहां पर एग्जैक्ट साढ़े तेईस डिग्री माना कि कर्क रेखा पूरी गुजर रही है डूंगरपुर और बांसवाड़ा से पर एग्जैक्ट साढ़े तेईस डिग्री जो है वह बांसवाड़ा से ज्यादा करीबी सी गुजरती है तो इसीलिए वो भी है और बाकी देखिए जैसलमेर ने सब कुछ क्लियर कर ही दिया कि आंसर पहला ही ऑप्शन होगा अगला प्रश्न राजस्थान के वे कौन से जिले हैं जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राष्ट्रीय या अंतरराज्य सीमा से नहीं लगती यानी कि वो कौन कौन से जिले हैं जो कि स्थल आबद्ध हैं लॉक्ड है अंदर ही हैं। ना तो वो कोई किसी राज्य से सीमा बनाते हैं और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते यानी कि पाकिस्तान से भी कोई सीमा नहीं बनाते ऐसे कौन कौन से जिले हैं सोचो समझो और आंसर दो बच्चों पनोरमा की किताब खराब नहीं है पर पनोरमा में कंटेंट पूरा नहीं है पनोरमा के अंदर कम कंटेंट हमें मिलता है और कम कंटेंट होने की वजह से बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि पनोरमा की किताब कवर ही नहीं करती तो वहां बच्चों का थोड़ा नुकसान हो जाता है इसीलिए मैं पनोरमा पढ़ने की नहीं कहता क्योंकि पनोरमा अच्छी बुक तो है पर कंटेंट सीमित है जिसकी वजह से बच्चों को नुकसान होता है और इसीलिए मैं उसे फेवर नहीं करता चलिए फटाफट आंसर दीजिए बच्चों पूरी तरीके से घिरे हुए प्रदेश हैं प्रतापगढ़ दौसा टोंक बांसवाड़ा और राजस्व देखो बच्चों आपको समझना चाहिए कि जयपुर की थोड़ी सी कहा जाता है ना कि जयपुर सबसे कम हरियाणा से सीमा रेखा बनाता है तो ये तो हरियाणा से बन गया धौलपुर यूपी से भी बना रहा है तो ये तो हो ही नहीं सकता थर्ड ऑप्शन देख लो हमारे पास में यहां पर कौन कौन से आ गए हमारे पास में जोधपुर पाली राजसमंद और दौसा वगैरह आ गए तो यहां पर राजसमंद को देख लो तो ये भी नहीं हो सकता करौली तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता ये तो अंतरराज्यी सीमा बना लेता है तो ये भी नहीं हो सकता केवल और केवल प्रतापगढ़ दौसा टोंक बांसवाड़ा और राजसमंद ऐसे एरिया हैं जहां पर जो कि लैंड लॉक्ड है ठीक है तो ये आपके लैंड लॉक्ड हो जाएंगे बाकी कोई सा भी नहीं है ये जो क्षेत्र है ना तो ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और ना ही ये आपके अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं बच्चों लक्ष्य सफिशियंट है लक्ष्य और राजस्थान बोर्ड की किताबें सफिशियंट हैं के लिए कोई बड़ी बड़ी बुक मानव हिंदी ग्रंथ अकादमी की हरिमोहन सक्सेना ये वो पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि चीजें सीमित आती हैं और वो सफिशियंट है ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा टाइम वेस्ट होगा ज्यादा भूलोगे तो इतना भी डीप में जाने की जरूरत नहीं है अगला प्रश्न कथन पहला कथन है कि अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है इसका कारण क्या होगा अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त और उच्चतर हैं। तो बताइए कि क्या कारण जो है कथन जो है उसका सही कारण है ये या नहीं है क्या दोनों सही है या दोनों गलत हैं तो इसका आप आंसर दीजिए तो आंसर सोच so, समझ कर दीजिएगा फोर्टी सेकेंड्स फॉर दिस वन बच्चों इसका बिल्कुल सही आंसर है सेकंड दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं परंतु कथन जो है उसका कारण सही नहीं है क्योंकि देखो अरावली के पूर्वी ढाल पश्चिमी ढालों की अपेक्षा अधिक वनस्पति और सघन ऊंचाई पर होते हैं तो देखो सिंपल सी बात है पूर्वी ढाल यानी कि अरावली का राइट साइड वाला एरिया तो वो क्या करता है बंगाल की खाड़ी से मानसून को प्राप्त कर लेता है और अरब सागर की जो शाखा है वह समानांतर निकल जाती है तो मेनली क्या होता है कि मानसून की वजह से यहां पर तो बरसात हो जाती है यहां पर अच्छी खासी नमी है खेती हो जाती है पर पश्चिम में हमारा रेगिस्तान आ जाता है तो वहां पर नहीं हो पाती तो दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं बिल्कुल सही बात है अरावली के जो पूर्वी ढाल है यानी कि पूर्वी एरिया जो है वो ज्यादा मानसूनी वर्षा प्राप्त करता है ये ठीक है पर सोच के देखो क्या सही में ये ठीक है तो डायग्राम बनाओ इसमें होगा कंफ्यूजन तो थोड़ा सा डायग्राम बनाओगे तब चीजों को क्लियर समझोगे वन मिनट गाइज मैं डायग्राम बना के आपको बता देता हूं क्योंकि देखो क्वेश्चन टफ है ये आसान नहीं है क्वेश्चन में देखो डायग्राम नहीं बनाओगे ना तो पल्ले नहीं पढ़ने वाला जैसे कि ये मान लो कि यहां पर मेरी ये अरावली है ठीक है ये मेरी अरावली है ठीक है और सभी को डायरेक्शन सेंस तो है ही कि डायरेक्शन कैसे होती है ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट ये डायरेक्शन होगी तो अरावली का पूर्वी ढाल मुझे कहेगा कोई तो ये वाला पार्ट होगा अरावली का पूर्वी ढाल पश्चिमी ढाल कहेगा तो ये वाला पार्ट होगा पश्चिमी ढाल अब क्या कहा जा रहा है तुमसे कि यहां पर मानसून से ज्यादा वर्षा मिलती है पूर्वी ढाल में तो क्या सही बात है क्या ये नहीं हमारे हाड़ौती प्रदेश जो कि यहां होगा इस वाले एरिया में ज्यादा बरसात होती है माउंट आबू वगैरह में ठीक है माउंट आबू वगैरह के क्षेत्र में सिरोही में ज्यादा बरसात होगी कंपेरिटिव टू ऊपर के एरिया में तो इस पूर्वी ढाल में मानसून से कम वर्षा होगी तो देखिए कम वर्षा अब पर यह भी बिल्कुल क्लियर नहीं है ये भी बिल्कुल क्लियर नहीं है कि टोटल बरसात की बात की गई है या मानसून के सीजन की बात की गई है तो यह भी क्रिस्टल क्लियर नहीं है तो या तो यह क्वेश्चन फिर केस वेस में चले जाते हैं क्योंकि अगर पूरी ओवरऑल वर्षा की बात करेंगे तो ठीक है पूर्वी ढालों की बात कर रहे थे पूर्वी ढालों में यानी कि इस इधर वाले साइड में तो बरसात हो रही है सही बात है तो स्टेटमेंट ठीक हो गया पर यहां पर यह क्या हुआ रीजन नहीं है उसका रीजन बिल्कुल भी ये नहीं बन पाता इस वजह से समस्या हो जाती है क्योंकि देखो यहाँ पर क्या कहा गया है यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या इसका ये सही कारण है क्या तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हैं पर यह है इसके सही कारण नहीं है ये स्टेटमेंट ठीक है दोनों ही पर यह जो वनस्पति ज्यादा होने के कारण ही। क्योंकि वनस्पति ज्यादा होने के पीछे कई कारण होते है? चलो बरसात एक कारण होता है इसके अलावा मिट्टी भी तो होनी चाहिए ना टोटल आपके मृदा भी ऐसी हो अगर अगर आपके केवल बात होती वनस्पति की तो पूर्वी ढालों की तलहटी में ना होकर पहाड़ी क्षेत्र पर ही ज्यादा वृक्ष हो जाते वो नहीं हो पाते क्योंकि वहां पर पथरीली जमीन होती है मिट्टी की जो मोटाई होती है वो कम होती है तो जड़े ज्यादा नीचे नहीं जा पाती तो इसीलिए दोनों स्टेटमेंट ठीक है पर कारण जो है वह कथन को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आंसर है सेकंड क्वेश्चन टफ था और ऐसे क्वेश्चन कभी कभार ही आते हैं क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था ये आपके 2016 का एक लाइब्रेरियन का पेपर हुआ था पुस्त लाइब्रेरियन का जो पेपर करवाता है ना वो पेपर में ये पूछा गया था 2016 के अंदर अगला प्रश्न राजस्थान में किस थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है कौन सा बालू का स्तूप यहां पर नहीं बनता है हमारे राजस्थान में वो बताइए बच्चों वनस्पति के लिए सिर्फ बरसात सिर्फ बरसात आपके एक्सप्लेनेबल नहीं है उसके अलावा मिट्टी और कई चीजें चाहिए होती हैं बच्चों आपको मैंने बता दिया था पैराबोलिक सेंड्यूस हमारे राजस्थान में बनते हैं तारे के जो कि ऐसे बनते हैं हमारे वो भी राजस्थान में बन जाते हैं ऐसे भी बरखान तो आपके अर्ध चंद्राकार बनते ही बनते घोराउड टाइप का बालू का स्तूप है वह हमारे राजस्थान में बिल्कुल नहीं बनता यह सहारा मरुस्थल में ज्यादा पाया जाता है तो यहां पर जो नहीं बनता वो बताना था और घोराउड शेप राजस्थान में नहीं बनता है आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप मुक्त है कौन कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है शेरगढ़ शिव तहसील ओसिया शेरगढ़ बायतु चोहटन और फलौदी पोखरण तो कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है जहां सैंड्यून्स नहीं बनेंगे तो डाई माइंड में रखो कहां पर मैंने आपको बताया था कि यहां सैंडूंस नहीं बनेंगे डायग्राम माइंड में रखो कहा बनेंगे और नाम भी बताया था मैंने आपको बिल्कुल सही आंसर है फलौदी पोखरण फलौदी पोखरण एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बालू का स्तूप नहीं बनते हैं ठीक है तो यहां पर क्या होता है कि कहीं पर हाइट ज्यादा होती है कहीं कम हो जाती है और कहीं हाइट बढ़ जाती है तो इस तरीके से दो बालू के बड़े बड़े हाइट वाले क्षेत्रों के बीच में एक ऐसी जमीन आती है जहां सैंड्यूल्स नहीं होते बालू का स्तूप नहीं होते और वह उसी का उदाहरण है फॉलौदी पोखरण और यहां पर बालू का स्तूप नहीं है इसीलिए आपके न्यूक्लियर टेस्ट भी किए जाते हैं अगर यहां पर बालू का स्तूप होते तो डेफिनेटली भारत सरकार कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट यहां नहीं कर सकती थी नहीं तो पता लगता कि आज मिसाइल रखी है तुमने कल मिसाइल मिट्टी के अंदर दब गई यहां पर बालू का स्तूप अगर बनते तो सोच के देखो पोखरण में तुम कैसे टेस्टिंग कर पाते कैसे न्यूक्लियर ब्लास्ट कर पाते पूरी की पूरी मिसाइल दब जाती रातों रात में तो इसीलिए आंसर क्या है फोर्थ ऑप्शन अगला प्रश्न अगला प्रश्न यहां पर हमारे पास में सही ऑप्शंस को चूज कीजिए कि मिलान करना है यहां पर आपको कि कौन सा अरावली का जो पर्वत श्रेणी है वो कि, किस किस जगह मिलती है रघुनाथगढ़ कहां है शेर कहां है जरगा कहां है और जयगढ़ कहां है ऑप्शंस आपके सामने हैं फोर्टी सेकंड्स फॉर दिस क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल बच्चों जहां सैंड्यूस नहीं होते चट्टाने मिलती हैं उसे हम्मादा कहा जाता है गोशी लियोन में बिल्कुल इसे हम्मादा कहा गया है बच्चों मैंने आपको आज पहले ही बता दिया इसका आंसर पिछले क्वेश्चनों में सभी बच्चे फटाफट आंसर दें फटाफट मिलान वाले क्वेश्चन बहुत सरल आते हैं एग्जाम में तो सोच समझ के मिलान करना आसानी से हो जाएगा सभी को पता है कि जयगढ़ मतलब जयपुर ठीक है और एक ही ऑप्शन है जयगढ़ जयपुर वाला पहला ऑप्शन ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था पहला ऑप्शन जयगढ़ जयपुर रघुनाथगढ़ सीकर शेर हमारा सिरोही और जरगा हमारा उदयपुर ठीक है तो जरगा उदयपुर में है रघुनाथगढ़ सीकर में है शेर हमारा आपका उदयपुर में हो जाएगा और जयगढ़ हमारे जयपुर में तो आंसर इज ए ऑप्शन सिंपल वन ठीक है आंसर इज ए ऑप्शन अगला प्रश्न राजस्थान में वृहत सीमांत भ्रष्ट ग्रेट फॉल्ट लाइन कहां है पहला ऑप्शन बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियां दूसरा उदयपुर की पहाड़ियां तीसरा अलवर और चौथा शेखावटी का तोरावाटी क्षेत्र आंसर दीजिए थर्टी सेकेंड में फटाफट ये जो पिछला क्वेश्चन था आपका रघुनाथगढ़ वाला वो आर के 2013 हज़ार में पूछा गया था बच्चों वृहत सीमांत वृंश कहां फैलेगा कहां मिलेगा जहां पर अरावली पर्वतमाला है और अरावली पर्वतमाला के इधर अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में मुख्य रूप से ना तो बूंदी सवाई माधोपुर आ पाएंगे ना शेखावटी आ पाएगा अलवर कोई इतनी बड़ी सारी पहाड़ी बनाता नहीं है कि कोई ग्रेट फॉल्ट बन जाए तो लॉजिकली एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास में उदयपुर की पहाड़ियां तो ध्यान रखिएगा राजस्थान में वृहत सीमांत भ्रंश ग्रेट फॉल्ट लाइन हमें मिलती है उदयपुर की पहाड़ियों में कहा मिलती है बच्चों उदयपुर की पहाड़ियों में मिलती है तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन करेंगे बाकी करेंगे कल आपसे बात ठीक है तो दिस इज ऑल फॉर टुडे थैंक यू एवरीवन और बाकी यहां पर पीडीएफ के लिए आप एट द रेट शर्मा आर एस को सर्च करो टेलीग्राम चैनल पर जाकर और वहां से आप फिर इसे ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को एंड देन आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज और कल हम पढ़ेंगे हमारे राजस्थान के अपवाह प्रदेश और झीले और बच्चों कुछ और क्वेश्चंस भी हमें करने हैं क्योंकि क्वेश्चंस काफी सारे हैं तो ध्यान रखिएगा शनिवार को शनिवार को आपकी दो क्वेश्चंस की क्लासेस होंगी अन अकेडमी के लर्निंग ऐप पर तो शनिवार को सभी बच्चे नोट कर लें शनिवार को मैं आपकी दो क्लासेस लेने वाला हूं एक क्लास होगी शाम को चार बजे से सैटरडे शाम को चार बजे से लेकर छह बजे तक मैं आपकी क्लास लूंगा कब शनिवार को सैटरडे जब आपके हम और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और मेंस के कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा शनिवार को फोर टू फाइव सिक्स पी और संडे को कब क्लास होगी उसका टाइम हम फिक्स करके आपको बता देंगे ठीक है गाईस? तो ओके गाइज थैंक यू एवरी वन हैव ए गुड डे और अन अकेडमी को सब्सक्राइब करते वक्त लेटेस्ट फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करने के लिए शर्मा टेन रेफरल कोड को यूज कीजिए एस एच ए आर एम ए वन जीरो कैपिटल लेटर्स में यूज कीजिएगा इसे वो भी बिना किसी स्पेस के तो हैव ए गुड डे गाइज प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द आइकन ऑल्सो तो थैंक यू हैवरी वन गाइज हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू